हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवे टेक। गाइस, आज इस वीडियो में एक ऐसा फ्री का टूल मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी मदद से अगर आप एक एक्सप्लेनर वीडियो बना रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं या फिर आप अपने स्कूल या कॉलेज में कोई बढ़िया सा प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं अपने लैपटॉप की मदद से, जिसमें आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर लिख पाएं, कोई चीज मेंशन कर पाएं या फिर किसी चीज को पॉइंट आउट कर पाएं और साथ ही साथ अपने स्क्रीन को, डेस्कटॉप की स्क्रीन को, लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर पाएं, ये कंबाइंड टूल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और उसके बारे में बताने जा रहा हूं जो एकदम फ्री में आपको यहां पे मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सा है वो टूल, चलिए बिना देरी किए बहुत ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा टूल के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे हम यहां पे क्या-क्या कर सकते हैं। तो यहां पे इस टूल की खास बात यह है कि इसमें आपको कुछ शॉर्टकट मिलते हैं जिसमें डायरेक्ट आप ही शॉर्टकट दबाते ही आपका ये टूल अनेबल हो जाता है। जैसे सपोज एक शॉर्टकट मैं यहाँ पे दबाता हूँ और ये टूल मेरा अनेबल हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पॉइंटर यहाँ पे एक स्केच पेन में आ गया जिसमें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पे खींच सकता हूँ और यहाँ पे एरो यहाँ पे खींच सकता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच सकता हूँ, किसी भी तरीके से मैं यहाँ पर अगर मुझे कोई चीज एक्सप्लेन करनी है, किसी को मार्क करना है, वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको ये रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, वाई दबाएंगे तो येलो हो जाएगा, ठीक है, बी दबाएंगे तो ब्लू हो जाएगा, दबाएंगे तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, और वापस से आर दबाएंगे तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे कलर भी आपको मिल रहा है, बहुत शानदार फीचर यहाँ पे आपको मिल गया। काफी जगह टूल काम आ जाता है, जैसे सपोज आपको कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई वेबसाइट एक्सप्लेन करनी है, सपोज ये अपना यूट्यूब चैनल है और मैं आपसे कहना चाहूँ कि भैया इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ से शॉर्टकट दबा के यहाँ पे अनेबल करूंगा और यहाँ पे कहूंगा इसको सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होता है और ये अपने चैनल का नाम है तो इसको मत भूलो, इसको आपको सर्च करना है और ये चीजें इस तरीके की इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढनी है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ये टूल की खास बात है और वापस से आप एस्केप दबाएंगे तो आप इस टूल से बाहर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फीचर बताता हूं, ये तो राइटिंग का फीचर हो गया, साथ ही साथ एक दूसरा फीचर ये है कि आप इसमें एक पर्टिकुलर स्क्रीन को जूम करके यूज कर सकते हैं। यहां पे शॉर्टकट दबाएंगे आपकी स्क्रीन यहां पे जूम हो जाएगी, आप इस तरीके से अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को इस तरीके से विजिट कर सकते हैं और जैसे ही आप क्लिक दबाएंगे तो यहाँ पे आपका जो पॉइंटर है वो अनेबल हो जाएगा और यहाँ पर फिर से आप अपना पढ़ाना है, मार्क करना है, जो भी चीज हाईलाइट करनी है वो यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूं। तो ये एक तरीका हो गया, वापस से एस्केप दबाएंगे इससे आप बाहर आ जाएंगे। एक और मस्त फीचर मैं आपको बता रहा हूं, जो तीसरा फीचर है, ठीक है, जिसमें आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर ये सब चीजें आप कर सकते हैं, यानी कि पहले आप स्क्रीन रिकॉर्डर रन कीजिए और फिर ये सब चीज कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपका सब टास्क एक बार कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, स्क्रीन रिकॉर्डर की मैं आपको एक शॉर्टकट की है, जस्ट आपको वो दबाना है, यहां पे आप देखेंगे येलो कलर से आपकी स्क्रीन पर मार्क आ गया पूरा, ठीक है। तो अब मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करते हुए आपको ये भी बता देता हूं कि आपको ये कौन सा टूल है जो इतने ज्यादा फीचर आपको दे रहा है और वो भी फ्री में, ठीक है। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जिसको हम यहां पर गूगल पर डायरेक्ट सर्च करेंगे, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट जूम इट, ठीक है, जस्ट आपको जूम इट यहां पे टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट के बाद, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे इसलिए जूम इट हम यहां पे टाइप कर रहे हैं। तो जूम इट टूल है, इसको आप सर्च करेंगे, सबसे पहली जो वेबसाइट है वो यहां पे आएगी, ठीक है, आपको इस वेबसाइट को, चलिए इस टूल का यूज करते हुए मैं आपको इस वेबसाइट का इस वेबसाइट पर ले चलता हूँ, ठीक है। तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है, इस वेबसाइट पर चलते हैं, क्लिक किया मैंने इस वेबसाइट पे और ये हमारा टूल है, ठीक है। इस टूल को आपको डाउनलोड कर लेना, जिसमें यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक यहाँ पे मिल रहा है, मात्र 1.1 MB का टूल है, ठीक है। इस टूल को यूज करते हुए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देखिए कि आप कितनी एफिशिएंटली इस टूल को यूज कर सकते हैं। ये जो टूल है जूम इट वर्जन 6.01 माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर आपको मिल रहा है, जस्ट आपको इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास जिप फाइल यहाँ पे आ जाएगी जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इस तरीके की फाइल्स यहाँ पे मिलेगी। पहली फाइल है जिसमें कुछ नहीं लिखा है, zoomit.exe, ये 32-bit बेस सिस्टम के लिए है, जो 64.exe है वो 64-bit बेस सिस्टम के लिए है। तो आपको जस्ट यहां पर इस टूल को रन करना होता है और रन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके क्विक लॉन्च टूल बार में आ जाता है। कुछ सेटिंग्स हैं इनकी, तो कुछ इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका ये क्लिक एंड प्ले आपका टूल है, तो डायरेक्ट पोर्टेबल टूल है। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो इसकी कुछ सेटिंग्स आ जाती है, सेटिंग्स को आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ टैब्स यहाँ पे आ रहे हैं जिनको आपको फॉलो करना है। जूम के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक शॉर्टकट यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, तो वो शॉर्टकट था Ctrl+1, जो न्यूमेरिक 1 हम यहाँ पे दबाते हैं जो कि हमारे अल्फाबेट्स के ऊपर जस्ट होते हैं वो नंबर, तो Ctrl+1 जैसे ही मैं दबाऊंगा तो स्क्रीन मेरी जूम हो जाएगी और जूम का लेवल आप इतना ज्यादा कम कर सकते हैं यहाँ पे 1.25 गुना 1.5 गुना 1.75 गुना
2.0 गुना, 3 गुना, 4 गुना यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। देन लाइव जूम फीचर है, जिसमें लाइव जूम फीचर आपको मिल जाता है, लगभग सेम ही है, जूम फीचर के लगभग बराबर ही है, जिसमें आप इन फीचर्स का यूज ले सकते हैं। देन ड्रॉ फीचर के लिए आप कंट्रोल प्लस 2 दबाते हैं तो आपके पास ड्रॉइंग यहाँ पे अनेबल हो जाती है, जो मैंने अभी आपको करके बताया, ठीक है। देन यहाँ पे टाइप का भी फीचर है, जो मैंने आपको यहाँ पे करके नहीं बताया। टाइप का फीचर के लिए जस्ट आपको टी यहाँ से अपने कीबोर्ड से टाइप करना होता है, देन आप टाइप भी कर पाते हैं अपने डेस्कटॉप पे, यानी कि अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप लिख भी पाते हैं। ब्रेक का भी एक फीचर जो भी अभी मैंने आपको नहीं बताया, उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस 3 यहाँ पे असाइन है। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे अलग शॉर्टकट की यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल प्लस 3 यहाँ पे इसकी प्री डिफाइंड टाइमर है, ठीक है, जिसमें आपकी स्क्रीन पर एक ब्रेक सिस्टम होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे 10 मिनट असाइन है तो 10 मिनट का ब्रेक यहाँ पे आ जाएगा। 2 मिनट करना चाहें, 3 मिनट करना चाहें, 5 मिनट करना चाहें, ये आपकी चॉइस है यहाँ पे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इस ब्रेक को असाइन कर सकते हैं, जो भी मैं आपको बता दूंगा। देन यहाँ पे रिकॉर्ड के बारे में मैंने आपको बताई दिया, जिसमें मैं कंट्रोल प्लस 5 जब दबा रहा था तो मेरी स्क्रीन यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। मैं वापस से कंट्रोल प्लस 5 जब दबा दूंगा इस विंडो से बाहर आने के बाद, तो ये मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, उसको मैं सेव भी कर सकता हूँ। खास फीचर ये है कि यहाँ पे इसकी बिटरेट आप असाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देन यहाँ पे शो ट्रे आइकन, यानी कि यहाँ पे आपका टूल शो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप ये चेक कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि विंडो जैसे स्टार्ट हो तो ये टूल भी स्टार्ट हो जाए, तो जस्ट आप इस पर चेक करके आप ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये तो रहा इस टूल की बात, ठीक है, ऑलरेडी यूज में है इसलिए ओके नहीं हो रहा है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग इतनी देर से चल रही है, कंट्रोल प्लस 5 में दबाऊंगा तो रिकॉर्डिंग मेरी स्टॉप हो गई, जिससे आपको स्टार्ट करनी है उसी से स्टॉप करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है और मैंने इसको सेव कर दिया MP4 में, यहाँ पे रिकॉर्डिंग मेरी बनी है पूरी की पूरी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको रन करके ही बताता हूँ, 4 मिनट 5 सेकंड के समथिंग यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग बनी है। जो भी टास्क मैंने आपके सामने यहाँ पे करा है वो सब चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई है, ओके। तो ये तो रही रिकॉर्डिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा फीचर यहाँ पे कंट्रोल प्लस 3 का यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ब्रेक सिस्टम है, जिसमें यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक यहाँ पे असाइन था। तो यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल प्लस 3 दबाया तो मेरी स्क्रीन यहाँ पे एक ब्रेक फॉर्म में बदल गई है। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन उसके बाद वापस आएंगे। इस तरीके की यहाँ पे आप स्लाइड या फिर इस तरीके का वीडियो प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। एस्केप दबाएंगे बाहर आ जाएंगे और ये टाइम आप मैनेज कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। कंट्रोल प्लस 2 दबा के तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो मार्कर है वो आ जाता है, और यहीं पे आप टी दबा देंगे तो आप यहाँ पे लिख भी पाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कर्सर आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, क्या लिखना है, कब लिखना है, कैसे लिखना है, ये आपको सोचना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये टूल आपके काफी काम आ सकता है। बहुत सारे लोग आपको ये टूल नहीं बताएंगे और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन इस टूल का यूज मैं काफी टाइम से यूज करता आ रहा हूं, लेकिन जब मुझे लगा कि अब ये सही वक्त है आप लोगों को बताने का, तो ये टूल मैं आपको ले आया हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा साथ स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, आपके कोई फेवरेट टीचर है उनके साथ शेयर कीजिएगा, सर आप ये टूल यूज कीजिए, इससे हमें ज्यादा आसानी होगी पढ़ने में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, अपने सर को भी बताइए, टीचर को बताइए, स्टूडेंट्स को बताइए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।